राजघाट पुलिस ने कच्ची शराब के साथ सात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर सात अभियुक्तों को अमरूद मंडी के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1500 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब व 5 किलोग्राम यूरिया एवं 30 किलोग्राम नौसादर तथा शराब बनाने की दो भट्टियों को बरामद किया गया है, जिनकी पहचान प्रदुम पुत्र पाहुल निवासी कठौर थाना रामगढ़ताल, दूसरा तर्केश्वर पुत्र गुरुदेव, तीसरा पंकज पुत्र सुरेंद्र निवासी गण कठौर थाना रामगढ़ताल, चौथा संजीवन पुत्र बालिक करण निवासी मझरिया थाना रामगढ़ताल जिला गोरखपुर, पांचवा हरिकेश पुत्र राम आधारित, छठवा रामश्री पुत्र ब्रजलाल निवासीगढ़ कठौर थाना रामगढ़ताल, सातवां राजकुमार पुत्र सुखु निवासी झरवा थाना रामगढ़ताल जिला गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि सातों अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में राजघाट थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा, वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय मिश्रा, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी प्रभारी अनूप कुमार मिश्र, हेड कांस्टेबल हरेंद्र सिंह, कांस्टेबल मंगलदीप यादव, अंकित बिंद, देवेंद्र यादव, पप्पू गौतम सहित कांस्टेबल शैलेश यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, रुक जाइए। अरे मैं पक्षे बुजुर्ग मिलते थे आज जनपद गोरखपुर के दो थाना प्रभारियों को अपराधियों के घर पकड़ में सफलता मिली, उनसे बरामदगी हुई है। पहली घटना राजघाट थाना क्षेत्र की है, जहां भट्टी के माध्यम से अवैध देसी शराब बनाई जा रही थी। इसमें कुल सात अभियुक्त पकड़े गए हैं। अमरूद बाग के पास ये अवैध शराब बनाने का काम हो रहा था। महत्वपूर्ण तथ्य ये कि इनके पास से लगभग 1500 लीटर कच्ची देसी शराब बरामद हुई है और उसमें अपमिश्रण के लिए यूरिया आदि जो मिलाते हैं वो भी बरामद हुआ है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध इस बरामदगी के आधार पर एक्साइज एक्ट और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्यवाही की जा रही है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने हेतु अभी प्रस्तुत किया जाएगा।